नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के स्थायी परिसरों के निर्माण के लिए मिलेगी 4371 करोड़ से ज्यादा की धनराशि। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित लागत अनुमानों को दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून के अमल पर रोक लगाने से किया इनकार। रुद्रपुर में जुलूस निकालकर लोगों ने किया अधिनियम लागू किए जाने का समर्थन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड परिवहन निगम की समस्याओं के स्थायी समाधान के दिए निर्देश। कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान के लिए धनराशि की व्यवस्था करने को भी दिए कहा। और गुवाहाटी में हो रही खेलो इंडिया में उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन। देहरादून में हो रहे खेल महाकुंभ में टेबल टेनिस और वॉलीबॉल में बालिकाओं ने दिखाया हुनर। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों NIT के स्थायी परिसरों के निर्माण के लिए 4371 करोड़ से ज्यादा रुपए के संशोधित लागत अनुमानों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भी जातियों के उपवर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग के कार्यकाल के विस्तार को भी मंजूरी दी गई है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आयोग के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया गया है। NITs 2009 में स्थापित किए गए थे, उसको ठीक ढंग से चलाने के लिए और पूरा करने के लिए आज 4371 करोड़ का प्रोविजन किया गया। और ये कहानी सुनने जैसी है। 2009 में तत्कालीन सरकार ने अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, पुदुचेरी और देश की राजधानी यहाँ NIT ग्रांट किया, लेकिन NIT देने के बाद उसके लिए कितना पैसा सही लगेगा? उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अमल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्र का पक्ष सुने बगैर अधिनियम पर रोक को मंजूरी नहीं दी जा सकती। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने कहा है कि इस मामले को सुनने के लिए वो एक बड़ी संविधान पीठ का गठन करेगा। अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार को 143 याचिकाओं में से करीब 60 याचिकाओं की प्रतियां ही मिली हैं और उसे जवाब दाखिल करने के लिए समय की जरूरत है। कुछ याचिकाओं में शीर्ष न्यायालय से इस कानून पर अमल को रोकने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की कार्यवाही कुछ समय तक टालने की मांग की गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर 2019 को इस विधेयक को मंजूरी दी थी और तब से ये कानून बन गया है। उत्तराखंड में नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में जुलूसों, सभाओं और अन्य जागरूकता कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में विभिन्न समुदाय के लोगों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में जुलूस निकालकर लोगों को इसके विषय में जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर प्रबुद्ध वर्ग भी अपने अपने स्तर से लोगों, खासकर युवाओं को इस अधिनियम के प्रति जागरूक करने में जुटा है। भगत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक संतोष कुमार अनल का कहना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम की जानकारी रखने वाले कुछ लोग निजी स्वार्थों के चलते इसके कुछ तथ्यों को छुपाकर वर्ग विशेष में भ्रम फैला रहे हैं। जी, जहां तक CAA का प्रश्न है तो सबसे बड़ी दुविधा हमारे देश में यह है कि छात्र वर्ग तो इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं रख रहा है, लेकिन जो लोग जानकारी रख भी रहे हैं वो जानबूझकर कुछ तथ्यों को छिपा करके उसको, मतलब कि अपने हित के लिए कह सकते हैं या और लोगों को बताकर कि विशेष समुदाय के प्रति उनको यह डर दिखाकर बताना चाहते हैं कि भविष्य में उनके लिए ऐसा हो सकता है, जबकि CAA में भविष्य में किसी की नागरिकता जाने की कतई कहीं बात नहीं कही। अधिवक्ता बरीत सिंह का कहना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध पूरी तरह गलत है, क्योंकि इससे भारत के किसी व्यक्ति की नागरिकता प्रभावित नहीं हो रही है। राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए इसका विरोध करते हुए भ्रम फैला रही हैं। वास्तविकता तो यह है कि इस कानून का
भारत के जो रहने वाले जो विरोध कर रहे हैं खास करके, उनसे किसी प्रकार का सीधा या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। ये इसके पीछे मुझे जो लगता है कि आने वाले चुनाव राजनीतिक पार्टियां और उनके जो हित हैं वो प्रभावित होते हैं या किसी प्रकार से वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, इसके पीछे का वो कारण है। वन निगम के अध्यक्ष सुरेश परिहार का कहना है कि विपक्षी दल पूरी तरह से जनता को गुमराह कर रहे हैं। यह जो हमारा विधेयक है यह लोगों को नागरिकता देने वाला है, ये किसी की नागरिकता लेने वाला नहीं है। बस केवल मैं तो अभी मैं अपनी सब जगह इस बात को कह रहा हूँ कि ये जो लोग कोने में छुपकर बिलों में छुपकर देश को तोड़ने का काम करते हैं, विघटनकारी तत्व हैं, उन लोगों को बाहर निकालकर देश से बाहर भेजेगा। मैं आज भी आपके इस चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, शांतिपूर्ण जो आंदोलन होते हैं उनको उग्र कौन करता है? ऐसी जो 10-15% लोग कोने में छुपे हुए इन लोगों के साथ, वो लोग आकर इस चीज को भड़काते हैं और दंगा फैलाते हैं, उन लोगों को चुन चुन कर बाहर निकालेगा ये। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 प्रदान किए। राष्ट्रपति भवन में ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वाले बच्चों को प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। बच्चों को ये पुरस्कार नवाचार, समाज सेवा, कला संस्कृति और खेलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने और वीरता के लिए दिए जाते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए चुने गए 22 बच्चों को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने के लिए कहा है। उन्होंने वित्त सचिव को परिवहन निगम के कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने परिवहन निगम के शारीरिक रूप से अक्षम और स्वेच्छा से VRS लेने वाले कार्मिकों के लिए सॉफ्ट लोन की व्यवस्था करने और निगम में अनुबंधित बसों के लिए 50% सब्सिडी के भी निर्देश दिए हैं। असम के गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उत्तराखंड के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड फिलहाल 19 मेडल्स के साथ पदक तालिका में 19वें स्थान पर बना है। राज्य के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण और 4 रजत के साथ 11 कांस्य पदक जीते हैं। उधर देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के तहत आज विभिन्न आयु वर्ग में बालिकाओं की टेबल टेनिस और वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं आरंभ हुई। खेलों में प्रतिभाग कर रही खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता को लेकर खासा उत्साह दिखाया है। और मैं टेबल टेनिस खेलती हूँ। जहाँ तक मेरा मानना है, खेल कूद हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमें फिजिकली और मेंटली फिट रखता है। और जैसे खेल कूद है वो अलग से ही एक हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो एक खेल कूद भी इसके जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में। जहाँ तक है कि प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया के लिए बोला है, तो मैं चाहती हूँ कि सारे लोग अच्छे से खेले, फिट रहे। और हमें साई के लिए भी बहुत सुविधाएं मिलती है, साई की तरफ से हमें हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिलती है साई की तरफ से। और मुझे ऐसा लगता है कि सबको ही अपना अपना गेम चुनना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये नहीं होता कि जो मतलब पढ़ाई हमें आगे ले जा सकती है, और हमें खेलना भी चाहिए क्योंकि और सारी चीज़ें तो एक तरफ होती हैं, लेकिन हमारी अपनी फिजिकल फिटनेस एक साइड है, हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा एक मौका यही होता है कि हम हर दिन खेलें। और जैसे मोदी जी हैं, उन्होंने हमारे कंट्री में बहुत कुछ एक तरह से प्रोग्रेस कराया है खेल में भी, और बहुत सारे लोग अब जुड़ने लगे हैं खेल से, जैसे महाकुंभ वगैरह होते हैं। इन सबसे हमें एक मौका मिलता है अपना पोटेंशियल्स जानने का। मैं आज महाकुंभ खेलने आई हूँ। यहाँ हमें सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं और हमें एक किट भी दी गई है। यहाँ पर हमारी खाने पीने की सारी व्यवस्था है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ प्रथम स्थान जीतूं। फिट इंडिया मूवमेंट चालू किया है, जिसमें वह चाहते हैं कि घर घर से लोग अपने आप को फिट रखें और आगे भी फिट रहें। टेबल टेनिस कोच जितेंद्र बिष्ट ने बताया कि आज एकल और युगल के क्वार्टर फाइनल तक के मुकाबले खेले गए, कल सुबह से सेमीफाइनल के मुकाबले खेले जाएंगे। प्रतियोगिता में सभी 13 जिलों की टीमें भाग ले रही हैं।
बागेश्वर जिले में पोषण जागरूकता अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी स्तर पर काम कर रहा है। जिले को पूरी तरह कुपोषण मुक्त बनाने के लिए विभागीय वर्कर्स के साथ ही महिला समूहों को जागरूकता के प्रयासों में लगाया गया है। राष्ट्रीय पोषण मिशन से बागेश्वर जिले में अभी तक 19,000 से ज्यादा गर्भवती महिलाएं और बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। योजना शुरू होने के बाद से 91 कुपोषित बच्चों को भी इसका लाभ मिला है। वहीं बाल विकास विभाग के वर्कर्स महिलाओं को पोषाहार संबंधी जानकारी दे रहे हैं। पोषण मिशन है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 8 मार्च 2018 से शुरू किया गया एक व्यापक कार्यक्रम है और देश और समाज को कुपोषण से मुक्त करने की एक संकल्पना के साथ यह कार्यक्रम साकार हुआ है। जहां तक बागेश्वर जनपद का सवाल है, हम लोगों ने इस कार्यक्रम को पूरे जन जन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया और पूरे लोगों को इससे फायदा भी हो रहा है। और गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री माताएं हैं, छोटे शिशु हैं या फिर किशोरी बालिका हैं, सब तक हमने इस कार्यक्रम को पहुंचाया। पोषाहार मिल रहा है और समय समय पर जांच हो रही है। यहाँ पर समुदाय आधारित कार्यक्रम होते हैं, गोद भराई महिलाओं की जा रही है, अन्न प्राशन बच्चों का किया जा रहा है। वो खाली एक कार्यक्रम के तौर पे नहीं मनाया जा रहा है बल्कि उसमें जानकारी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि अगर अन्न प्राशन करा रहे हैं तो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो उसमें सुझाव दिया जाता है वो कि आगे अब 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध दिया जाता है। उसके बाद ये बताया जा रहा है उसमें कि अब बच्चे को ऊपरी आहार देना है तो क्या देना है, कितना देना है, दिन बच्चे को कितनी बार बच्चे को आहार देने की आवश्यकता है, उसमें क्या क्या चीजें हम शामिल कर सकते हैं जो उसके पोषण के लिए लाभदायक हैं। महिलाओं के लिए पोषण कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही हैं, जिसमें कुपोषण मुक्त समाज के निर्माण के लिए उनकी सहभागिता पर जोर दिया जा रहा है। महिलाएं भी इससे खुश हैं। उनका कहना है कि कार्यशालाओं के माध्यम से पोषक आहार के अतिरिक्त भी वे काफी कुछ सीख पा रही हैं। हमारे बच्चों को अच्छा पोषण भी मिल रहा है। जिन लोगों को अच्छा पोषण नहीं मिल सकता है घर से, वो उन बच्चों को अच्छा पोषण मिल रहा है। इससे गर्भवती महिलाओं को भी अच्छा होता है फायदा, जिससे उनको सही समय पर टीके लगते हैं, बच्चे को बच्चा स्वस्थ पैदा होता है और बच्चे को अच्छी परवरिश दी जाती है। अब जब पोषण अभियान चला है इससे बच्चों को खाने की नई नई चीज़ें मिलती है और टीकाकरण होता है समय पर, बच्चों की अच्छी देखरेख होती है और हमें अनेक प्रकार की जानकारियाँ मिलती है आंगनबाड़ी में जाके, और बच्चों को अच्छा पोषण मिलता है, अच्छा भोजन मिलता है। आपदा की स्थिति में सूचनाओं के त्वरित प्रेषण और प्रभावित क्षेत्र में तत्काल मदद पहुंचाने के लिए प्रदेश में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित किया गया है। सिस्टम के इस्तेमाल से सभी संबंधित विभागों को आपदा की स्थिति में त्वरित और समान सूचनाएं मिल सकेंगी। इससे आपदा प्रबंधन में तेजी आने की उम्मीद है। राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र देहरादून की ओर से अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के संबंध में 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तकनीकी प्रबंधक भूपेंद्र भैसोड़ा ने बताया कि आपदा के दौरान विभागों के आपसी समन्वय में तेजी लाने के लिए प्राधिकरण ने डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित किया है। ये सॉफ्टवेयर AIT थाईलैंड की तर्ज पर विकसित किया गया है। इसके लिए अल्मोड़ा को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। प्रयोग सफल होने पर राज्य के अन्य जिलों में भी इसे अपनाया जाएगा। बेसिकली क्या करेगा कि सारे जो आपके विभाग हैं डिस्ट्रिक्ट को और विभागों को एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आएगा। जब कोई भी आपदा आएगी और उसका जब रिस्पांस होगा तो सारे विभाग एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही डैशबोर्ड पे हर सूचनाओं को देख पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि सभी विभागों के जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट का हो, पुलिस का हो, PWD का हो, तो वो एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे दिखेगा और हर जो विभाग है उसको उसी सिस्टम से चेक कर सकता है। दूसरा, आपदा की स्थिति में अगर कोई इवैक्यूएशन होना है, कोई रिस्पांस होना है, तो उस सिस्टम में सारे जब विभाग एक ही प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन भी बनेगा। तो अभी जो है ये एक नया सिस्टम है और अभी हमने केवल इसको अल्मोड़ा को पायलट डिस्ट्रिक्ट के तौर पे लिया है कि विभागों को अपने संसाधनों के बारे में पता रहे तथा उनकी कोई भी नीड अगर है और उनकी जो भी योजनाएं हैं वो सारे के सारे इस सॉफ्टवेयर में अपलोड होने के बाद कभी भी कोई डिजास्टर फ्यूचर में स्ट्राइक होता है तो वो अपना लॉस असेसमेंट कर सकते हैं तथा उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी प्लानिंग भी कर सकते हैं भविष्य में उनको अपनी योजनाओं में और क्या सुधार करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही तहसीलों में भी जो भी आपदा से संबंधित घटनाएं घटित होती हैं उन घटनाओं को एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसी दिन अपडेट करके रियल टाइम मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के स्थायी परिसरों के निर्माण के लिए मिलेगी 4,371 करोड़ से ज्यादा की धनराशि। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित लागत अनुमानों को दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून के अमल पर रोक लगाने से किया इनकार। रुद्रपुर में जुलूस निकालकर लोगों ने किया अधिनियम लागू किए जाने का समर्थन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड परिवहन निगम की समस्याओं के स्थायी समाधान के दिए निर्देश। कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान के लिए धनराशि की व्यवस्था करने को भी कहा। और गुवाहाटी में हो रहे खेलो इंडिया में उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन। देहरादून में हो रहे खेल महाकुंभ में टेबल टेनिस और वॉलीबॉल में बालिकाओं ने दिखाया हुनर। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।